आज माननीय प्रसाद जी आए थे और यहाँ जानते हैं क्या है माहौल और पार हो गई थी। माननीय गृह मंत्री जी बहुत खुशी हो गए रानीगंज से और निश्चित है उन्होंने आशीर्वाद भी दिया हमको बहुत ज़्यादा और रानीगंज की जनता को भी आशीर्वाद दिया और निश्चित रानीगंज की जनता ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि हम लोग रानीगंज में भारतीय जनता पार्टी को जिता कर देख रहे हैं और अपार भीड़ आज भी हम भी नहीं पहले तो हम नहीं सोचे लेकिन इतनी भीड़ हो गई विशाल जन सैलाब रानीगंज कर रहा है। मैं रानीगंज की जनता को बहुत बधाई देता हूँ जो किसान पुत्र को बहुत आती है और हमारे कुछ होगा पता चलेगा बाद में मतलब धीरज हो जाए कैबिनेट मंत्री पानी गृह मंत्री जी आए कुछ कह के गए हैं बड़े आदमी उसमें उनकी की सोच है वही मंत्री का मामला है वाला जी कृपा रमा बराए आपको सेवा करना है और सेवा करके हमको रानीगंज में काम और करना है भी जनता का प्यार गुलार हमको दे रहा है। रानीगंज के बारे में जो भी काम बाकी है उसको भी काम करना है जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसमें से खरा उतरा दिखती है। 1,00,000 पार निश्चित 1,00,000 पार है जन सलाब मैंने देख कर जो मैंने नारा दिया था पूरा रानीगंज की जनता धीरज हो जाकर फिर से जाती है। हाँ पूरा 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 भारतीय जनता पार्टी अपना दल निशान पार्टी तीनों में चुनाव लड़ रही है और 1,00,000 से 5 आप बताइए क्या माहौल है। नंबर 1 धीरज ओझा बीजेपी नंबर धीरज विगत वर्ष इस वर्ष तो और ज्यादा कम कम 1,00,000 पार के बाद विधायक बनेंगे और माँ बालाही कृपा से इस बार वो मंत्री बालाजी कृपा से और धीरज ओझा जैसा कोई विधायक है नहीं यहाँ दो सर पद लेंगे एक विधायक जी का एक मंत्री पद आप बताइए क्या मामला आम आदमी के लिए भैया आप धीरज भैया जिंदा आप बताइए आप धीरज ओझा जैसा कोई विधायक ही नहीं है भाई। हाँ